सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलनम। एक बार फिर आपका स्वागत है इलनम पे। ठीक है, तो जॉब अपडेट्स एंड पीएचडी एडमिशन के अब इस सेशन में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और प्रोजेक्ट पोजीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस प्रोजेक्ट पोजीशन का ये है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट पोजीशन में सेलेक्ट होते हैं तो आपको पीएचडी में इनरोल करने का चांस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट पोजीशन के बारे में। तो प्रोजेक्ट पोजीशन आईसर त्रिपुटी में ओपन हुई है। ठीक है, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च त्रिपुटी, जो ये इंस्टीट्यूट त्रिपुटी में लोकेटेड है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या प्रोजेक्ट के बारे में। सो जो पोस्ट का नाम होगा, पोस्ट का नाम इन्होंने रखा है जूनियर रिसर्च फेलो। मीन्स जूनियर रिसर्च फेलो पोजिशन पे आप रिक्रूट किए जाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट का मीन लाइक आपको किस टॉपिक पे काम करना होगा। तो अनरिवीलिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स अंडरलाइंग प्राइमिंग मीडिएटेड अक्वायर्ड थर्मोस्टाइलेंस एंड अरेबिडोप्सिस थैलेनिया। लाइक अरेबिडोप्सिस थैलेनिया में जो मैकेनिज्म उसके थर्मोटॉलरेंस के रिस्पॉन्सिबल है उस पर यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, फंडिंग एजेंसी कौन इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है? तो एसआरबी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है। ठीक है, प्रिंस पीआई, इस प्रोजेक्ट का पीआई कौन है? डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी अल्लू। ठीक है, प्रोजेक्ट कोड ये है। प्रोजेक्ट कोड का आप नोट करिएगा क्योंकि जब बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे इस प्रोजेक्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। लाइक इसका कौन से स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है? ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री और एनी इक्विवेलेंट डिसिप्लिन मिनिमम 55%। लाइक बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी आप डिसिप्लिन में आपने मास्टर्स कर रखा है, इवन जियोलॉजी, बॉटनी, तो आप इसके एलिजिबल हैं। ठीक है, साथ ही साथ 55% की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक मास्टर्स में आपका 55% है तो इस प्रोजेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी डिजायरेबल लाइक सी एस आर नेट, एल एस गेट और इस रिसर्च एक्सपीरियंस, ये सब डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और भी डिटेल्स के बारे में। तो फेलोशिप, फेलोशिप आपको मिलेगी 31,000 लाइक इक्वेलेंट टू सी एस आई आर नेट एंड प्लस 8% एच आर ए भी आपको मिलेगा। ठीक है, 31,000 फेलोशिप होगी प्लस 8% एच आर ए। तो और एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं, 28 ईयर्स मीन्स जो जिस डेट पे एडवर्टीजमेंट क्लोज होगा, लाइक जिस डेट तक ये एडवर्टीजमेंट रहेगा उस दिन आप 28 ईयर्स से कम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। टेन्योर बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट कब तक अवेल रहेगा? तो प्रोजेक्ट पोजिशन टेम्प्रोरी है, 6 मंथ्स पे होगा। ठीक है, उसके 6 मंथ्स पे आपकी इवेल्यूशन होगा, उसके सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट 18 जून 5 PM, मतलब 18 जून 5 PM से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और डिटेल्स के बारे में। अब बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना है। ठीक है, और इस लिंक को फिल करना, साथ ही साथ इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म टू ड्यूली फिल करके इस लिंक पे अटैच करना है 18 जुलाई से पहले पहले। ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ईमेल के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं आपको नोटिफाई कर दिया जाता है ईमेल के लिए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भेजा है उसका प्रिंटआउट साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी इस जनरल अटेंडेंस से कुछ खास नहीं है। इसमें जो मेन पॉइंट इस प्रोजेक्ट का 10th पॉइंट, लाइक कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन कैन आल्सो अप्लाई फॉर रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम आईसर। अगर आप वहां के आईसर त्रिपाठी के पीएचडी प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो वहां प्रोजेक्ट में सेलेक्शन होने के बाद आप पीएचडी, रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार समरी बता देता हूं। प्रोजेक्ट पोजिशन आईसर त्रिपाठी का जूनियर फेलोशिप। ठीक है, मास्टर्स इन लाइफ साइंस, किसी भी लाइफ साइंस इक्विवेलेंट अगर आपने मास्टर्स किए तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। 55% होना चाहिए, एज लिमिट 28 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद जो फेलोशिप होगी वो 31,000 होगी प्लस एच आर ए, लास्ट डेट 18 जून है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास चांस होगा पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ आईसीएमआर जो टेस्ट सीरीज है वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे से स्टार्ट होगा, और मंडे से हम जो पीवाईक्यूज का लाइव सेशन आपके लिए कंडक्ट करेंगे जहां पे अब हम इंटरेक्टिव वे में
सारे आईसीएमआर के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप आईसीएमआर के जो पीवाईक्यूज होंगे लाइक वो हमारे वेबसाइट पे आप जाके फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होगा उसका, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।